गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए हो अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। आज हम लोग क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। उस यूनिट का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक ऐसा टॉपिक जिसमें अधिकांश बच्चों को या तो डर लगता है या तो कंफ्यूजन बना रहता है, और उसके पीछे वजह बहुत स्पष्ट है। या तो आपको रिलेशन फंक्शन की जानकारी कम है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी कम है। अगर थोड़ी बहुत फंक्शन की जानकारी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी हो, तो ये चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही सरल नज़र आने लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आप तक उपलब्ध कराऊं। एक एक बेसिक को हम लोग ठीक से समझते हुए चलेंगे। और ये यूनिट इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अधिकांश फिजिक्स के प्रॉब्लम में भी जो है तुम देखते होगे कि इसका ज़रूरत जो है पड़ते रहता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। आराम आराम से, धीमे धीमे हम लोग जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले एक टर्म आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके, या इसी को हम लोग सिंपली मैक्सिमम वैल्यू भी कह देते हैं या ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कह देते हैं। ओह, ए फंक्शन एफ एक्स is said to have maximum value, simply maximum or greatest value at x is equals to a in its domain if f a is greater than f x. For each value of x of its domain. क्या कह रहे हैं? केयर करो। सिंपल तरीके से अगर हम तुमको समझाएं कि मान लो हमारे पास कोई एक ग्राफ है, सिंपल तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर। सपोज करो कि इस पॉइंट पर एक्स का वैल्यू है ए, तो स्वाभाविक है कि x बराबर a और इस फंक्शन a रिप्रेजेंट है y इज इक्वल टू एफ एक्स के ऊपर, तो स्वाभाविक है कि x बराबर a पर वैल्यू कितना आ रहा है? f ही आ रहा है। अब हम तुमसे ये पूछें कि जरा बताओ कि इस फंक्शन का मैक्स वैल्यू कितना है? बहुत स्पष्ट है, f है। किस पॉइंट पर है? तो तुम कहोगे कि x बराबर a पर है। अब a से पहले भी जो भी y का वैल्यू आएगा एफ से कम ही आएगा। x बराबर a से अगर एबव भी अगर हम जाते हैं तो जो y का वैल्यू आएगा एफ से कम ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमने बोला है कि कोई भी फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू तब होगा अपने डोमेन में, क्लियर, जब एफ इज
ग्रेटर देन एफ एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी अब रखूँ ए छोड़कर, हर बार जो वैल्यू आएगा एफ से लेस आएगा। इसका मतलब है क्या कि एक्स बराबर ए इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? अब उसी प्रकार से अब एक टर्म आना है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जरा उसको देखें। ये क्या कहता है, ये देखिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इसको कैसे डिफाइन करें, तो कहते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या इसी को स्मॉलेस्ट वैल्यू कह सकते हो और स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए इन इट्स डोमेन इफ एफ इज लेस देन एफ एक्स फॉर इट्स वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ इट्स डोमेन ऑफ इट्स डोमेन। क्लियर कर, जैसे अगर हम इसको भी थोड़ा ग्राफ से अगर हम समझना चाहें, मान लो कोई सिंपल ही ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर करो ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज करो कि इस पॉइंट पर x का वैल्यू हमको मिल रहा है a, तो स्वाभाविक ही x बराबर a पर जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है आपका f ऑफ a आ रहा है। अब तुम समझ सकते हो कि ये जो फंक्शन है सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है एफ है, किस पॉइंट पर है तो x बराबर a पर है। अब x के अगर हम पहले हों, x बराबर a से पहले हों या x बराबर a से हम ग्रेटर पे हों, हर बार y का वैल्यू जो है एफ से ज़्यादा ही मिलेगा, इसलिए एफ इज ऑलवेज लेस देन एफ एक्स वट एवर द वैल्यू ऑफ x है। x का वैल्यू a छोड़कर कुछ भी रखें कुछ भी, तो हर बार जो वैल्यू आएगा एफ से ग्रेटर ही आएगा, इसलिए ये हमारा जो है मिनिमम, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है और ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एक हुआ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब है कि उस फंक्शन में एक्स का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका वाई सबसे मैक्स मिल रहा है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है कि एक्स कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको वाई का वैल्यू सबसे मिनिमम मिल रहा है। अब इसी में थोड़ा सा बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू होता है, लोकल मिनिमम वैल्यू होता है, इस पर डिस्कशन थोड़ा सा आगे करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, एक आना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये जैसे है एब्सोल्यूट और मिनिमम वैल्यू, तो उसी प्रकार से आना है लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इन सारे टॉपिक पर भी आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पर हमारा फंक्शन सबसे मैक्स है वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जो वैल्यू होगा उसे मैक्सिमम वैल्यू, किस पॉइंट पर हमारा फंक्शन सबसे मिनिमम है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम, और जो वाई का वैल्यू होगा उसे बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। सिंपल, एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा किसी फंक्शन का उस पर डिस्कशन करने वाले हैं,
और उसमें भी हम डेरिवेटिव का यूज करते, क्योंकि मेरा यूनिट ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो तुम भी समझ रहे हो कि यहाँ जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकालने वाले हैं उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होना है, डेरिवेटिव का यूज होना है। खैर वो आगे का मुद्दा है, लेकिन अभी ये है एक्सरसाइज 11E। ठीक है, इसमें शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन हैं कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यदि कभी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बोले तो समझ जाना कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहे हैं। कह रहा है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, मतलब बिना डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए आपको बताना है कि इस फंक्शन का मैक्स और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। मतलब फंक्शन दे रखा है, आपको केवल प्रेडिक्ट करना है, मतलब उस फंक्शन को देखिए और प्रेडिक्ट कीजिए कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। हो सकता है कभी कहीं पर केवल मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो, हो सकता है कहीं किसी फंक्शन में हम केवल मिनिमम वैल्यू ही बताने में सक्षम हों, ऐसा भी हो सकता है किसी फंक्शन में ना तो हम मैक्सिमम वैल्यू बता पाए तो कभी मिनिमम वैल्यू बता पाए। इसलिए लिख रहे हैं इफ एनी, यदि संभव हो तो आप मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा आप बताएं। विदाउट डेरिवेटिव मतलब बिना डिफरेंशिएशन के बतानी है। आगे चलकर हम डिस्कशन करेंगे कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताते होंगे, उस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है fx माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है, ये फंक्शन है। चाहो तो इस फंक्शन को लेट y मान लें या fx मान लें, x वैल्यू बता रहा है इसका मतलब कि y का वैल्यू बताना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा y का। यहाँ पर प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट करो तो क्या होगा, ये हर बार ये स्क्वायर टर्म है, क्लियर करना, ये स्क्वायर टर्म है, ये हमेशा टर्म ये पॉजिटिव होगा। स्वाभाविक है कि x का कुछ भी वैल्यू लेंगे यहाँ पर ये हर बार ये 4 में जाकर ऐड होना है। x का वैल्यू जितना ज़्यादा लेंगे 4 में उतनी ही ज़्यादा ऐड होगा। इसलिए स्पष्ट है कि मैक्स वैल्यू हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, सक्षम नहीं है, या बोल दे डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, हम यहाँ पर मैक्स वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं या डज नॉट एग्जिस्ट है। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, सोच कर देखो टेक्निकल बात। अगर मान लो ये जीरो हो जाए, ये टर्म अगर जीरो हो जाए, अगर यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1/5 होता, केयर करो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1/5 होता तो y का वैल्यू जीरो हो, ए वाला वैल्यू जीरो हो जाता, तब उस केस में y इज इक्वल टू 4 आता। अदरवाइज x का वैल्यू 1/5 छोड़कर यहाँ कुछ भी रखोगे तो हर बार 4 में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, लेकिन जब x की जगह पर 1/5 रखोगे तो 4 में क्या ऐड होगा, जीरो। क्लियर है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 4। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर बताना हमारे लिए संभव नहीं था। तुम वैसे भी सोचो, यहाँ पर हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो बताना था, जो पॉसिबल था हमने बताया, लेकिन यहाँ पर विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट डिफरेंशिएशन का यूज किए हुए हमने बताया हुआ है। आगे यही सब प्रॉब्लम मिलेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करके काम कर लेंगे। खैर फंक्शन आसान था इसलिए यहाँ पर प्रेडिक्ट करना भी आसान हो गया। अब अंदर की बात समझो, ये फंक्शन दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया y माइनस 4। ए है पैराबोला इस अंदाज में, बहुत स्पष्ट है। अगर इस पैराबोला को अगर हम प्लॉट करें तो इसका वर्टेक्स कितना होगा, 1/5 और 4। जैसा हमने बताया कि अगर आपका 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर क्लियर नहीं है तो शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स होगा 1/5 और 4 पर। अगर इसे प्लॉट करें तो
प्लॉट करें तो कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होना, ये आपका वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये देखिए यही हमारा वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट 1/5 और 4 आ रहा है, बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है, 1/5 है, 1/5 क्या बोल रहे हैं कि 1/5 पर हमको सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, अदरवाइज x का वैल्यू 1/5 से लेस होगा तो भी y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, x का वैल्यू 1/5 से ग्रेटर अगर हम लेंगे तो भी y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बहुत स्पष्ट है। वन यानी ये है पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये है पॉइंट ऑफ मिनिमम, किस पॉइंट पर आपको मिनिमम, ये फंक्शन किस पॉइंट पर मिनिमम है, बहुत स्पष्ट है कि x बराबर 1/5 पर मिनिमम है, x बराबर 1/5 पर मिनिमम है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा अगर ये जानना हो तो x इज इक्वल टू 1/5 यहाँ पर रख दो तो क्लियर है कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0/4। x इज इक्वल टू 1/5 अगर यहाँ पर रखते हो तो y का वैल्यू आ जाता है 0। आप समझ सकते हो कि अब x का वैल्यू इसको छोड़कर कुछ भी लें, हर बार वैल्यू जो है y का 4 से ज़्यादा ही मिलेगा, हर बार ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए अब इसका y का मैक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये बढ़े जा रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हाँ यहाँ पर y का सबसे मिनिमम वैल्यू 4 था, क्लियर। तो ये हमारा निकला एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, या सिंपली इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कह देते, तो ये विदाउट डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर लिया हमने। नंबर टू में है लेट y इज इक्वल टू, चाहे तो आप एफ एक्स भी मान लें, -x-3 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब हमें यहाँ पर मैक्स वैल्यू भी चाहिए, देखते हैं अगर पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा तो मिनिमम वैल्यू बता दें, ना पॉसिबल होगा तो कोई ना बताए। अब यहाँ पर ये तो तय है कि पॉजिटिव आना है, ये तब क्या करो हम क्या बोल रहे हैं, ये स्क्वायर है तो ये हर बार पॉजिटिव होगा, ये हर बार 9 में से घटेगा, ये 9 में से घटेगा, ये बहुत स्पष्ट है कि इसका मैक्स वैल्यू कितना होगा 9, क्योंकि हर बार ये 9 में से घटना ही है कुछ ना कुछ, क्लियर। मैक्स वैल्यू कितना होगा 9, अब कितना घट रहा है मेरे को नहीं पता, तो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे, नॉट पॉसिबल, या डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्स वैल्यू बता पा रहे 9 है, लेकिन मिनिमम कितना होगा, 9 में से कितना घटता जा रहा है, ये तो डिपेंड करता है x पर, x का वैल्यू डिफर होगा तो 9 में से जो वैल्यू घटेगा वो डिफर होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू जो है नहीं बता पाएंगे। उसी प्रकार से अगर नंबर थर्ड कहें, y इज इक्वल टू है ये हमारा मॉड एक्स प्लस 3, ये है प्लस 6, बहुत स्पष्ट है। सोचो यहाँ पर मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉड है। अगर भाई अगर मॉड में अगर माइनस भी होता है तो मॉड कहता है तो हम तो उसको प्लस कर देंगे, समझो हम क्या बोल रहे हैं। मॉड का काम क्या है कि अगर ये माइनस में भी होगा तो मॉड कहता है हम प्लस कर देंगे, यानी ये हर बार 6 में से घटने वाला है, हर बार, हर बार। तो मैक्स वैल्यू कितना होगा 6, मिनिमम वैल्यू 6 में से कितना कट रहा हम भी बता पाएंगे, इसलिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बताना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, ये है साइन 2x+5, अलग दिखाओ, एंगल में 2x है, तुमको पता होगा कि साइन थीटा का मैक्स वैल्यू 1 होता है और सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इसका मतलब है कि इसका मैक्स वैल्यू कितना होगा, सोचो सोचो, साइन थीटा, थीटा के रूप में तुम्हारा यही 2x है तो इसका मैक्स वैल्यू कितना होगा 1, तो y का मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 1+5, यानी यहाँ पर मैक्स वैल्यू हो जाएगा 1+5, 6, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1, तो -1+5 यानी कितना हो जाएगा 4, बहुत स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करूं तो लेट y इज इक्वल टू है, देख लेना एक आध का आंसर गलत है, चाहे 4 का चाहे 5 का चेक कर लेना, साइन 4x+3 कुछ यही है,
या मॉडल की है। अब यहाँ भी मैक्स वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा इसका मैक्स वैल्यू 1, 1+3, 4, अरे वाह ये हो गया 4। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसका मिनिमम वैल्यू -1, -1+3, 2। अगर मॉड है, अगर ये वैल्यू -1+3 ये आ रहा मेरा 2, अगर माइनस में भी आता तो उसको हम प्लस कर देते, शुक्र है कि प्लस में ही आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने विदाउट डेरिवेटिव विदाउट डिफरेंशिएशन का यूज किए जो है आपने प्रेडिक्ट कर दिया, और शायद प्रेडिक्ट आप इसलिए कर पाए क्योंकि ये फंक्शन आसान थे, लेकिन जब फंक्शन टिपिकल होने लगे तो ये प्रेडिक्शन इतना आसान भी नहीं होगा, तब हमें शायद डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज करना पड़े। अब एक टर्म लाने जा रहे हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू। ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू याद रहे, अभी हम एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात की है, ये है हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और एक टर्म और आएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, एक टर्म लोकल मिनिमम वैल्यू। अभी हम क्या पढ़े थे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, अब ये क्या आ रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू। सोचो अभी दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, समझो क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जिसे सिंपली हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी कहते थे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा, पहले इनको देखेंगे, इसके बाद लोकल मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा। सपोज कि मान लो हमारे पास कोई एक ग्राफ इस प्रकार से है, अगर हम दिखाएं ग्राफ, मान लो थोड़ा और बड़ा बना दो, ये मान लो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, यही हमारा y=fx, क्लियर। सपोज करो कि यहां पर x का वैल्यू है c1, यहां पर x का वैल्यू है c2, यहां पर x का वैल्यू है c3, यहां पर x का वैल्यू है c4। अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझते चलना है, क्लियर। तो थोड़ा सा इसको हम और डाउन कर दो, इसको ऐसे, क्लियर। और सपोज करो कि यहां पर x का वैल्यू है c5, क्लियर करो। हम कहें कि यहां पर किस पॉइंट पर फंक्शन सबसे मैक्स होगा, सबसे टॉप तो तुमको यहीं पर दिख रहा है, इसका मतलब है कि x=c1 पर जो फंक्शन है वो सबसे मैक्स होगा, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो पॉइंट होगा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये होगा fc1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपको c1 पर भी मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आपको c2 पर भी मिल रहा है, c1 c2, ये हमारा c3, ये हमारा c4, ये हमारा c5, थोड़ा चेंज करो c5, ये हो गया हमारा 6। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम तुमको यहाँ भी मिल रहा है, मैक्सिमम c3 पर भी मिल रहा है, मैक्सिमम तुमको c5 पर भी मिल रहा है, क्लियर। उसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू स्मॉल लेटर में यूज कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू तुमको c2 पर मिल रहा है, एक मिनिमम वैल्यू तुमको c4 पर मिल रहा है, क्लियर। अब तुमको देखना क्या है, क्लियर करो, हम समझने जा रहे हैं कि पहले लोकल मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि
ओवरऑल देखा जाए तो C1 पर एट x बराबर C1 पर हमारा फंक्शन सबसे मैक्स है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर हम C1 के आजू बाजू में देखें, समझो C1 के आजू बाजू में अपने लोकेलिटी में ठीक है, नॉट इन टोटल डोमेन, ठीक, अपने आजू बाजू में C1 के अगल बगल अपने इस लोकेलिटी में बहुत स्पष्ट है कि C1 पर ये मैक्स है। इसलिए इस F1 को कहते हैं क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो आपको मैक्स वैल्यू यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन ये अपने लोकेलिटी में है, ये C3 के काफ़ी क्लोज वाले वैल्यू में अपने लोकेलिटी में मैक्स वैल्यू C3 पर है। इसलिए C3 इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और यहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, FC3। उसी प्रकार से C5 अपने इस C5 के अराउंड अगल बगल अपने लोकेलिटी में, इस लोकेलिटी में मैक्स वैल्यू किस पॉइंट पर है, तो हम कह रहे C5 पर, यानी C5 इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो FC5 होगा। क्लियर? लेकिन हम कहें कि इस पूरे फंक्शन के लिए बताइए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तब पूरे डोमेन में देखते हैं कि सबसे मैक्स वैल्यू कितना है। तो पूरे डोमेन में अगर हम देखें तो C1 जो है इस पॉइंट पर सबसे मैक्स वैल्यू हमको मिल रहा है FC1। अब दोनों में डिफरेंस समझो, अभी जो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का जो डेफिनेशन लिखवाया उसमें हमने क्या लिखवाया कि ए फंक्शन FX इज सेड टू हैव द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a इन इट्स डोमेन, यानी पूरे डोमेन में देखना होता है, इस पूरे टोटल इलाका में देखना होता है कि सबसे मैक्स वैल्यू कौन है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू में क्या होता है कि हम अपने आजू बाजू में अपने लोकेलिटी में देखते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्स वैल्यू है। तो हमने बोला कि C1 के आजू, अगर इसके आजू बाजू में, C1 के आजू बाजू में, C1 के लोकेलिटी में सबसे मैक्स वैल्यू C1 पर है, इसलिए ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। इस लोकेलिटी में इस पॉइंट को लोकेलिटी में सबसे मैक्स वैल्यू C3 पर है, इसलिए भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, C5 पर, यहाँ पर भी देखें, इस आजू बाजू में इस लोकेलिटी में मैक्स वैल्यू C5 पर है, इसलिए ये भी जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ही होगा। लेकिन अगर हम कहें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो टोटल लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे ग्रेटर होगा, क्या बोल रहे हैं, अगर हम तुमसे कहें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि जितने भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है उनमें जो है, अच्छा देखो अगर हम तुमको दिखाएं लोकल, यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कौन कौन है, तो कहोगे FC1, C3 पर भी तुमको मैक्स मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, FC3 भी होगा, ओके, FC5 भी होगा, तो ये हमारे हो गए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हम कहें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस लोकल मैक्सिमम में सबसे ग्रेटर कौन है, वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो तुमको समझना होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू में हम पूरे डोमेन में हम कंपेयर करके देखते हैं इसे, यानी यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखना पड़ेगा FC1, FC3, समझ में आ रही है बात ना, एक C3 पर है, एक C5 पर है, सॉरी
तो सबसे मैक्स कौन है, तो एफ सी वन हो गया। अब उसी प्रकार से आओ, लोकल मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में क्या होगा। मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ है, हम कहें कि इस लोकेलिटी में, इस पॉइंट के लोकेलिटी में, मतलब इसके लोकेल इतने पोर्शन में देखें, इस लोकेलिटी में मिनिमम वैल्यू कहाँ है, सी टू पर। इसका मतलब सी टू क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ये है सी टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो ए हो जाएगा एफ सी टू। क्लियर। अच्छा, उसी प्रकार से इस लोकेलिटी में मिनिमम वैल्यू कहाँ है, सी फोर पर। कितना है मिनिमम वैल्यू, एफ सी फोर। यानी सी फोर भी हमारा जो है क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। क्लियर है। तो हम कहें कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो हमने बोला कि एक एफ सी टू होगा और एक ये भी है एफ सी फोर भी होगा। क्लियर। लेकिन हम कहें कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो पूरे डोमेन में देखना पड़ेगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, या यूँ कहें कि जितने भी लोकल मिनिमम वैल्यू है उसमें जो सबसे स्मॉल, जो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो हमारा जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। यानी यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखो एफ सी टू और एफ सी फोर इन दोनों में सबसे मिनिमम कौन है, बहुत स्पष्ट है एफ सी टू होगा। अब समझो हम क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट और लोकल में क्या फर्क है। एब्सोल्यूट में पूरे डोमेन में हम देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है या सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है। लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन है और मिनिमम वैल्यू कौन है और किस पॉइंट पर है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। हम इस पूरे चैप्टर में हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा, वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा निकालने वाले हैं, और वो भी डिफरेंशिएशन का यूज करके। लेकिन जो कंक्लूजन निकल के जो आ रहा है बहुत स्पष्ट है कि एक ही फंक्शन में कई लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं, एक ही फंक्शन में कई लोकल मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकते हैं। केयर करो, किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं, और इन लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे हायर वैल्यू होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। एक ही फंक्शन में कई लोकल मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं या कई लोकल मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कई लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कई नहीं हो सकते हैं। कई लोकल मिनिमम वैल्यू में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, ये बात क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। हमें यहाँ पर इस चैप्टर में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसी प्रकार से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये देखनी है। ठीक, तो इसके लिए दो टेस्ट बने हुए हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे, तब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को।
लेकिन तुम इस बात से सहमत हो क्या? क्या करना? क्या तुम इस बात से सहमत हो कि अगर मैक्स एक पॉइंट ऑफ यह जो है लोकल मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम लोकल मिनिमम, तुम सहमत हो क्या कि किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होने के लिए दो बातें हैं, या तो ग्राफ चढ़कर उतर जाएगा, लोकल मैक्सिमम होने के लिए पहले ग्राफ चढ़ेगा फिर ग्राफ डाउन हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए पहले ग्राफ चढ़ेगा फिर डाउन हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए ग्राफ चढ़ेगा फिर ग्राफ डाउन हो जाएगा, या फिर लोकल मिनिमम के लिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन लोकल मिनिमम होगा उसमें क्या होगा, पहले ग्राफ उतरेगा फिर चढ़ेगा, उतरेगा फिर चढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होने के लिए तय है कि यहाँ पर एक एज बनेगा, चाहे एज शार्प एज हो या स्मूथ एज हो, शार्प कॉर्नर बनेगा इस प्रकार का या स्मूथ कॉर्नर बनेगा, यही से ग्राफ हमारा टर्न हो जाता है। इसलिए इन पॉइंट को, इन एज को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। केयर करो, जो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं ये कवर इसके गिर गए। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर मैक्स या मिनिमम होने के लिए तय है कि यहाँ पे कॉर्नर बनेगा, एक कॉर्नर बनेगा, क्योंकि ग्राफ चढ़कर उतरेगा या उतर कर चढ़ेगा तो कॉर्नर तो बनेगा, उसी कॉर्नर को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, टर्न हो जा रहा है ग्राफ। बहुत स्पष्ट है यार कि यहाँ पर अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें इसका स्लोप C1 पर कितना हो जाएगा, जीरो, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, यहाँ पर भी टेंजेंट F'C2 कितना हो जाएगा, ये भी जीरो, यहाँ पर भी F'C3 कितना होगा, जीरो, यहाँ पर भी F'C4 कितना होगा, जीरो। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि टर्निंग पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। एग्री करते हो? जिस पॉइंट पर फंक्शन को मैक्स या मिनिमम होना है वहाँ तय है कि यहाँ पर कॉर्नर बनेगा, टर्निंग पॉइंट होगा, स्वाभाविक है वहाँ पर अगर हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी F'C1 0, F'C2 0, F'C3 0, F'C4 0। इसका मतलब कहना सही होगा कि सैचुरेशन पॉइंट पर या फिर टर्निंग पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट या F'X कितना होगा, जीरो होगा। अब मान लो कभी हमें यही टर्निंग पॉइंट ही निकालना होगा किस पॉइंट पर टर्निंग बन रहा है, तो F'X = 0 लेकर चलो और x का वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो, जो x का वैल्यू होगा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो समझो हम क्या बोल रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट अगर कहीं निकालना है तो F'X = 0 लेकर चलो, सॉल्व करो, x का जो वैल्यू आएगा बहुत स्पष्ट है वो टर्निंग पॉइंट को ही दिखाएगा। एक कंक्लूजन मेरा निकल रहा है कि टर्निंग पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है जीरो, मीन्स वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है टर्निंग पॉइंट पर। खैर, हमें पकड़ना है कि किस पॉइंट पर, अब ग्राफ दिया है तब तो आसान था कि किस पॉइंट पर हमारा जो है कॉर्नर बन रहा है, किस पॉइंट पर मैक्स होगा मिनिमम होगा, ये तो पकड़ना आसान हो गया था जी, लेकिन ग्राफ कौन प्लॉट करे यार? ग्राफ प्लॉटेड हो तो फिर कोई बात नहीं, पकड़ना तो आसान हो जाएगा। तो हम तुमको बताएं टेस्ट करनी है तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव
टेस्ट से, ठीक है। सिंपल सिचुएशन अगर हम समझाएं यहाँ पर, केयर करो। मान लो कोई एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन दिखाते हैं, ये मान लो कोई फंक्शन है y equals to fx, ठीक है। सपोज करो कि यहां पर x का वैल्यू है, लेट सी, बहुत स्पष्ट है कि अगर हम तुमसे कहें कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो तुम बोलोगे एफ सी वन, ठीक। लोकल, हम एक्चुअली हम यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू को लेकर इंटरेस्टेड है। इस पॉइंट के आजू बाजू में बताइए कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है। हालांकि ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी हमारा एफ सी वन ही, एफ सी ही आ रहा है। तो अगर हम तुमसे कहें, ज़रा केयर करना, ये हमारा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हम छोटे से लोकेलिटी में ही बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि यहाँ पर जो ग्राफ हमें जो दिखाया गया है उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी एफ सी ही होगा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी एफ सी ही हो रहा है, ठीक है। तो एक बात है कि अगर हम सी के पहले आए, सी के पहले कहीं पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, एक मान लो हम एक सिंपल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, बढ़िया नहीं हुआ ड्रॉ, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी सी के जस्ट पहले, तो तय है कि ये जो टेंजेंट जो बन रहा है ये एंगल एक्यूट एंगल है। जब एक्स का वैल्यू सी से लेस है, समझो हम क्या बोलते हैं, जब एक्स का वैल्यू सी से लेस है तो हर बार जो टेंजेंट बनेगा ये एंगल एक्यूट एंगल होगा। जब एक्यूट एंगल होगा तो बहुत स्पष्ट है उसका स्लोप जो है पॉजिटिव होगा, नियम तो यही कहता है। यानी यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है इस पोर्शन के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, या हम चाहें तो इधर दिखा दें, पॉजिटिव होगा सी के पहले के लिए। साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर द वैल्यू जस्ट स्लाइटली लेस दैन सी। When the value of x is slightly less than c, then the sign of f dash x is always positive, कहना सही होगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम पहले बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ग्राफ चढ़कर उतरेगा, ग्राफ चढ़कर उतरेगा, बहुत बढ़िया। अब जब x का वैल्यू c से ऊपर लो, इधर इधर टेंजेंट इस इलाके में, अगर हम टेंजेंट कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये जो एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप निगेटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। यानी इस रीजन में सी के ऊपर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तुम सोच कर देखो, हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्राफ पहले चढ़ेगा फिर उतरेगा। जब ग्राफ चढ़ेगा तो एकदम क्लियर है कि यहाँ पर सी पर हमारा जो है फंक्शन जो है सबसे मैक्स वैल्यू को दिखा रहा है, तो स्वाभाविक है जब एक्स का वैल्यू सी से लेस होगा तो इस इलाके में टेंजेंट जब भी खींचेंगे तो एक्यूट एंगल बनाएगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। और जब सी के बाद अगर हम इधर आते हैं तो जो भी टेंजेंट तुम प्लॉट करोगे, कहीं पर भी तुम टेंजेंट प्लॉट करके देखो, इस पॉइंट पर कहीं पर भी तुम टेंजेंट प्लॉट करोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है क्या, कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू यदि सी पर है तो सी से स्लाइटली लेस पर हमारा जो है एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव होगा, और जब x का वैल्यू c से स्लाइटली ग्रेटर है तो f डैश x का वैल्यू नेगेटिव होगा। इसका मतलब कहूँ क्या कि हियर ए साइन ऑफ f डैश x
चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर जितने भी टेंजेंट होंगे उसका स्लोप पॉजिटिव, इस इलाके में जितने भी टेंजेंट होंगे सबका स्लोप नेगेटिव, इसलिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एस थ्रू एक्स, एस थ्रू सी, एस थ्रू एक्स इज इक्वल टू सी। तो अगर हमें कहीं पर अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पकड़नी हो, केयर करो, यदि हमें कहीं पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पकड़नी हो तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम देखें उस पॉइंट के पहले मेरा टेंजेंट का स्लोप क्या है, उस पॉइंट के बाद मेरा टेंजेंट का स्लोप क्या है। अगर कहीं एफ डैश एक्स का साइन यदि पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, यदि एफ डैश एक्स का साइन यदि पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो गया, इसका मतलब है कि एक्स बराबर सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हम कह रहे हैं कि यदि x बराबर c पर या किसी पॉइंट पर यदि स्लोप f डैश x का साइन यदि पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इसको नोट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि हम लोकल मिनिमम वैल्यू की बात, कैसे हम लोकल मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट को हम सर्च करें, तो पहले बारीकी को समझना होता है, इसके बाद तो काम आसान हो जाता है। लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए यहां पर क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ठीक है, पॉइंट मिल जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगा। एक ग्राफ की मदद से तुमको समझाएं, ये मेरा ग्राफ, सिंपल जो सबसे सिंपल ग्राफ ये हो गया। सपोज करो कि यहाँ पर x इज इक्वल टू किया है सी है ये ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हम कहें कि भाई मिनिमम वैल्यू के लिए, जैसा ग्राफ में दिख रहा है कि x बराबर सी ये मेरा मिनिमम वाला पॉइंट है, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा एफ सी, एक्स की जगह पर सी रख देंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए ग्राफ पहले उतरेगा फिर चढ़ेगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, स्पष्ट है, बहुत बढ़िया। अब तुम सोच कर देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज स्लाइटली लेस देन सी, जब एक्स का वैल्यू सी से स्लाइटली लेस हो, स्लाइटली लेस, तो इधर वाले इलाके में अगर हम कहीं भी अगर हम टेंजेंट खींचें तो पक्का है कि ये एंगल ऑब्टिस होगा, होगा क्या, इसका मतलब है कि इसका स्लोप जो है क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब सी के पहले अगर हम टेंजेंट खींचें तो स्लोप किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से यदि एक्स का वैल्यू सी से ग्रेटर लें तो इस इलाके में कहीं पर भी अगर हम टेंजेंट खींचे तो ये एंगल जो बनेगा एक्यूट एंगल होगा। अब जब एक्यूट एंगल होगा तो बहुत स्पष्ट है क्या, बहुत स्पष्ट है कि जो स्लोप होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा, यानी जब एक्स का वैल्यू सी से ग्रेटर है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव हो रहा है। यदि किसी पॉइंट पर यदि हमारा फंक्शन आकर लोकल मिनिमम पॉइंट को दिखा रहा है तो बहुत स्पष्ट है कि ग्राफ पहले डाउन होगा, डिक्रीज होगा, इसके बाद इंक्रीज होगा। और ये भी बहुत स्पष्ट है कि इधर वाले इलाके में टेंजेंट का स्लोप जो है नेगेटिव होगा और इधर वाले इलाके में टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये देखो सी के पहले माइनस स्लोप, सी के बाद पॉजिटिव स्लोप, इसलिए यहाँ पर स्लोप नेगेटिव टू स्लोप पॉजिटिव, मतलब ग्राफ चढ़कर उतरकर चढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स बराबर सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इज द पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम।
ठीक है। अब तुम जैसे देख रहे हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसका मतलब शायद डिफरेंशिएशन हमें एक ही बार करना, एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा था। कंक्लूजन निकालो क्या कि इफ एक्स इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देन वी कैन से दैट साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एस थ्रू सी। तो अब कंक्लूजन क्या निकला? अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट पता चल जाए, लोकल मिनिमम वाला पॉइंट पता चल जाए तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो तो निकल जाता है, x इज इक्वल टू c फंक्शन में रख देंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तुमको करना क्या है? अब कंक्लूजन की ओर आओ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तुमको करना क्या है? पहला काम, जो फंक्शन दिया है उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लें, ठीक, पहला काम ये करो। दूसरा काम कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट करो और सॉल्व करो। एक्स का जो वैल्यू आएगा स्वाभाविक है टर्निंग पॉइंट को बता देगा, सैचुरेशन पॉइंट को बता देगा, एंड सॉल्व गेट इट्स रूट, मतलब सॉल्यूशन लेट। पहला क्या करना है? डिफरेंशिएट किया, फिर जीरो से इक्वेट किया एंड गेट्स इट्स रूट। लेट एक्स इज इक्वल टू सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है, इसके मान लो रूट्स आए, क्लियर, मान लिया ऐसा। अब थर्ड काम, एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नाम से ही बहुत स्पष्ट है। थर्ड काम क्या करना होगा कि बारी बारी से हम चेक करेंगे कि जब x का वैल्यू c1 से लेस था तो f डैश x का साइन क्या था, जब एक बार x का वैल्यू c1 से ग्रेटर था तो हम क्या करें, यहाँ नंबर लाइन पर आए, x का वैल्यू मान लो मेरा मिला c1, a मिला c2, a मिला c3, ठीक है। अब डिटरमाइन द साइन ऑफ f डैश x For each values of x, x मतलब c1, c2, c3, for each value of x, c1, c2, c3, determine the sine of f dash x for each values of x is equals to c1, c2, c3, ठीक है। और देखो कि साइन हमारा f dash x का साइन हमारा कैसे चेंज करता है, ठीक है। यदि ठीक है, अगर f डैश x का साइन यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो गया किसी के लिए, ठीक है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि x, सपोज करो कि हम यहाँ x के जगह पर c1 रखें, इसके लिए c1 के लिए साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो गया, मतलब सी वन के लिए साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो गया, लेट सी वन के लिए साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो गया, इसका मतलब एक्स बराबर सी वन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अभी तो बात हुई लोकल मैक्सिमा होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो एक्स बराबर सी वन फंक्शन में रख देंगे निकल जाएगा, एफ सी वन मैक्स वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से अगर सपोज करो कि सी टू के लिए मान लो साइन निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो गया, सी टू के लिए साइन निगेटिव टू पॉजिटिव, केयर करो सी वन के लिए प्लस से माइनस, इसका मतलब है कि ग्राफ चढ़कर उतरा होगा,
ग्राफ चढ़कर उतरा होगा सीवन पर, सीवन पर ग्राफ चढ़कर उतरा होगा, मतलब यही निकला। और सी टू पर यदि निगेटिव से पॉजिटिव हो, सी टू पर निगेटिव से पॉजिटिव हो, निगेटिव टू पॉजिटिव हो, इसका मतलब निगेटिव इधर स्लोप निगेटिव इधर स्लोप पॉजिटिव, एग्री करते हो यू? यानी तब उस केस में हम कहेंगे कि अगर एफ डैश सी टू का साइन यदि निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स बराबर सी टू इज द पॉइंट ऑफ, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन चेंज ही ना करे, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह जाए, नेगेटिव से नेगेटिव रह जाए, तब ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सी में मान लो कि सी थ्री के लिए, सपोज करो सी थ्री के लिए एक्स जो पैसो सी थ्री के लिए साइन ही चेंज नहीं किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह गया या नेगेटिव से नेगेटिव रह गया, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। इसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर सी थ्री इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब तुमको ग्राफ से भी समझाएं, अभी जैसा हमने ग्राफ बनाया हुआ था, केयर करो ये जो ग्राफ अभी हम इस प्रकार से कुछ बना दिए, इसको देखो, इसको थोड़ा पैरेलल कर दिया। अब यहाँ पर देखो, सपोज करो यही सी थ्री पॉइंट है, सी थ्री के पहले स्लोप पॉजिटिव, सी थ्री के बाद भी स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि सी थ्री के पहले भी टेंजेंट ऐसा ही होगा, सी थ्री के बाद भी टेंजेंट ऐसे ही होगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि एक क्रिटिकल पॉइंट तो है। कैसे पता चला? अरे भाई, क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए स्लोप जीरो होना चाहिए। तो हम बहुत स्पष्ट है कि एफ डैश सी थ्री यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी थ्री पर टेंजेंट का स्लोप जीरो। ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, सैचुरेशन पॉइंट तो है, बट यहाँ पर साइन चेंज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सी थ्री के पहले भी टेंजेंट यही, सी थ्री के बाद भी टेंजेंट यही, साइन चेंज हुआ ही नहीं। तो साइन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब उसे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहने का मतलब है कि उस पॉइंट पर ना तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम है ना तो हमारा मिनिमम है। अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं कि एट एक्स बराबर सी थ्री नाइदर नाइदर फंक्शन इज मैक्सिमम नॉर द मिनिमम, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कुछ क्वेश्चन को आज हम ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन नहीं दिया हो तो कुछ मान लिया करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल का पावर 4। करा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, साथ में लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, अब जैसे बताएं कि ये काम हम दो तरीके से करते हैं, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लें, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर लें। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही साथ दोनों मिक्स होने लगेंगे। अभी हम जो प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके बनाने वाले हैं। चलिए क्लियर करो, पहला काम हमने आपको क्या बोला कि एफ डैश एक्स निकालो, यही बोले थे, कितना हो जाएगा, यही होगा एफ डैश एक्स। दूसरा काम क्या बोले थे, उसको जीरो से इक्वेट करो, तो लिखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, भाई दोनों के लिए मैक्सिमा मिनिमा, किसी पॉइंट को मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए तय है कि वहाँ पर टर्निंग पॉइंट होगा, वहाँ स्लोप जीरो होगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत स्पष्ट है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट दे देगा हमको एफ डैश एक्स दिस जीरो, इसलिए x इज इक्वल टू 3। यानी ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट इसे हम लोग कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर है, चलिए, यानी ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। यानी इसी पॉइंट पर या तो हमारा फंक्शन मैक्स हो जाए चाहे मिनिमम हो जाए, यही वो कैंडिडेट है जिस पर हमारा फंक्शन चाहे तो मैक्सिमम हो चाहे चाहे तो मिनिमम हो जाए। ठीक,
अब क्या करना है कि हमें जब एक बार x का वैल्यू 3 से लेस है, क्या करना है देखो, एक बार x का वैल्यू जब 3 से लेस है तो f डैश x का साइन क्या था, एक बार x का वैल्यू 3 से ग्रेटर था तो f डैश x का साइन क्या था, फिर देखेंगे साइन मेरा पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ। तो कैसे करते हैं, हम तुमको दो तरीके समझा देते हैं। पहला जो तरीका है कि देखो, इफ x इज स्लाइटली लेस दैन 3, पहले 3 से छोटा, जब एक बार x का वैल्यू 3 से स्लाइटली लेस दैन है, देन साइन ऑफ f डैश x क्या है, इट्स ए कैंडिडेट निकल गया है, इसी पॉइंट पर मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, क्लियर हो गया है, टर्निंग पॉइंट यही हमारा है। एक बार x का वैल्यू जब 3 से छोटा लें तो f डैश x का साइन क्या होगा, सोचो 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब 2.9, 3 से छोटा 2.9, जस्ट छोटा 2.9, 2.91, 2.92, समझ में आ रही बात, लेट यहाँ पर 2.9 माइनस 3 माइनस में होल क्यू माइनस में गुना 4 माइनस में, यानी यहाँ पर साइन क्या आया, निगेटिव। उसी प्रकार से इफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन लेना है, ग्रेटर देन 3, देन साइन ऑफ f डैश x इट्स क्या, x का वैल्यू 3 से अगर हम ग्रेटर लें, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, कुछ भी 3.1 माइनस 3 घटेगा तो पॉजिटिव का होल क्यू पॉजिटिव मल्टीप्लाइड 4 पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि 3 के क्रॉस f डैश x का साइन निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। इसी चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से तुम ऐसे दिखा सकते हो, एक नंबर लाइन फट से प्लॉट कर लिया करो। ये इतना जो हमने किया, ठीक है, इनसे बचे कैसे, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है 3, ये रहा, बस उसको शो कर लो, जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं उसको यहां पर शो कर लिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, यही f डैश x है, 11th में हम लोग सीखे होंगे इस टाइप से, चलिए लीनियर इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते होंगे तो इस इंटरवल का साइन कोई देख लो, कोई एक पकड़ लो अल्टरनेट कर दिया करो, कोई एक इंटरवल का साइन चेक कर लो अल्टरनेट कर दो, अगर मान लो 3 से अबव के लिए चेक कर लो, 3 से अबव के लिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो स्वाभाविक ये क्या होगा, निगेटिव। या इसी में पहले चेक कर लो, x का वैल्यू 3 से छोटा रखो, यहाँ पर 3 से छोटा रखो तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में लगता है अगला पॉजिटिव होगा, चेक करने का जरूरत नहीं होता है। तो तुम देख रहे हो कि इतना लिखने से अच्छा है, कि ज़्यादा अच्छा है कि हम कहें कि भाई 3 के क्रॉस जो साइन है निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि x बराबर 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक कंक्लूजन तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, साथ में लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये भी चाहिए हमको, कि x इज इक्वल टू 3 पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलना है, तो एफ एक्स में यहाँ पर x के जगह पर 3 रख दो, तो 3 माइनस 3 0, 0 का पावर 4 0, एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए, लोकल पूरे रेंज में नहीं अपने लोकेलिटी में, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो x के जगह पर 3 तो कितना 0 हो जा रहा है, क्लियर है, आंसर हो गया है। x बराबर 3 क्या आया मेरा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। तो नंबर लाइन से काम करना थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाता है, क्लियर है। तुम वैसे भी तुम देख सकते हो कि x का जगह पर 3 रखेंगे तो fx का वैल्यू 0 होगा, अब x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर बढ़ाते जाओगे तो fx का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो यहाँ से भी देख बहुत स्पष्ट था कि हमारा फंक्शन जो है 3 पर ही मिनिमम दिख रहा था, x बराबर 3
तो एफ एक्स का सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर एक्स का वैल्यू तीन से कुछ भी रखोगे तो जीरो से बड़ा ही आने वाला है, चेक करके देख सकते हो। अगली बार जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन पर हमारा जो है मिनिमम, इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले ग्राफ जो है पहले डाउन हुआ होगा फिर इसके बाद चढ़ा होगा, इसलिए यही कारण था कि इस वाले रीजन में तुम्हारा स्लोप जो है माइनस में आ गया और तीन के बाद में स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाते चले जाते हैं। एक क्वेश्चन और आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो पहला काम एफ डैश एक्स निकालना, कितना होगा 2x। दूसरा काम क्या, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए बात करूँ, क्योंकि किसी पॉइंट पर मैक्सिमम होना है या फिर मिनिमम होना है तो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, टर्निंग पॉइंट बनेगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो एफ डैश एक्स कितना होता है 0। इसको रख के सॉल्व करते हैं, एक्स का जो वैल्यू निकलता है यही हमारा कैंडिडेट है जिस पर हमारा पॉइंट, जिस पर हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, इसी को हम लोग टर्निंग पॉइंट या इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अगला काम क्या होगा कि बस एक बार एक्स का वैल्यू सी 0 से छोटा था तब एफ डैश एक्स का साइन कितना था, एक बार वैल्यू एक से सब स्लाइटली ग्रेटर था तो एफ डैश एक्स का साइन क्या था, साइन कैसे चेंज हुआ वो देखने की जरूरत है जी। तो इफ एक्स इज स्लाइटली लेस देन 0, बारी बारी से चेक करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे, अगर x के कई वैल्यू अगर आ गए तो हर वैल्यू पे बारी बारी चेक करना होगा। इफ x इज स्लाइटली लेस देन 0 देन f देन साइन ऑफ f डैश x क्या होगा, इज x का वैल्यू 0 से स्लाइटली लेस मतलब नेगेटिव तो f डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0 देन साइन ऑफ f डैश x इज, एक बार वैल्यू जो है x का वैल्यू 0 से ऊपर हो, 0 से ऊपर, अरे 0 से ऊपर लोगे मतलब पॉजिटिव लोगे तो f डैश x का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब साइन नेगेटिव तो पॉजिटिव चेंज कर रहा है। हम पुनः बोल रहे हैं कि इतना करने से अच्छा है तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, एक नंबर लाइन लाओ, नंबर लाइन लाइए, जो वैल्यू मिला केवल सिर्फ उनको दर्शाइए और साइन पकड़ लीजिए किसी एक इंटरवल का, अल्टरनेट कर दीजिए। एफ डैश एक्स के लिए नंबर लाइन है, ज़रा ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्स मान लो इसके लिए अगर हम साइन देखें तो 0 से ऊपर कुछ भी रखोगे यहाँ पर तो पॉजिटिव, तो स्वाभाविक है कि अल्टरनेट नेगेटिव, कोई एक इंटरवल का साइन चेक कर लो बाकी अल्टरनेट कर दो। मतलब बहुत स्पष्ट है कि 0 के पहले जब x का वैल्यू 0 से लेस था तो f डैश x का साइन माइनस था, और जब x का वैल्यू 0 से स्लाइटली ग्रेटर था तो f डैश x का साइन प्लस था, मतलब साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि 0 पर फंक्शन हमारा डिक्रीज कर, ये देखो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप नेगेटिव इस पर्सन के लिए और इस पर्सन के लिए स्लोप पॉजिटिव। तो सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स, क्या लिखते हैं कि सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, एफ डैश जीरो बोलो, सिंस साइन ऑफ एफ डैश जीरो चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अरे यार 0 पर हमारा फंक्शन मिनिमम हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू कितना होता है, एक्स के जगह पर यहाँ 0 रख दो, 0 खाल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 0। तुम इसी, खैर ये तो हमारे आंसर आ गए, लेकिन तुम इस बात को भी तो समझो अंदर की बात, अरे यार ये क्या है, पैराबोला है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही तो हो, यही तो है एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे देखो ना यार, एक्स बराबर 0
पर सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा वाई का। अब एक्स का वैल्यू अगर जीरो से ऊपर लो या जीरो से इधर लो तो वाई का वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू तो केवल बता पाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम बताने में सक्षम नहीं है, या फिर कहते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक्स बढ़ने पर वाई हमारा बढ़ता ही जा रहा है। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया है। समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग को शायद कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर जो है होता चला जाएगा। तो मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्वेश्चन घर पर बैठकर आप ही बनाते रहिए, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त मुस्कुराते रहो।